सब्सक्राइब कीजिए मुदस्सर रहमान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुदस्सर रहमान और आप देख रहे हैं मुदस्सर रहमान यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने YouTube चैनल के लिए एक कस्टम URL क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कस्टम URL का मतलब क्या होता है। तो ये देखो मेरा चैनल है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो हम टाइप करते हैं सिंपल www.youtube.com/, आगे मैं अपना नाम लिख दूँगा। तो ये देखें, तो इसका मतलब होता है कस्टम URL, यूट्यूब के आगे मेरा नाम मुदस्सर रहमान, तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा बहुत है आपको भी और आपके जो सब्सक्राइबर जो व्यूवर्स होते हैं उनके लिए भी। तो इसको इसके अलावा एक और मेरा चैनल है, उस पर भी मैंने लगाया हुआ है। तो ये देखना www.youtube.com/ गेमिंग विद मुदस्सर। ओह सॉरी, यहाँ पे एम नहीं, गेमिंग विद मुदस्सर। तो ये देखें, एक मेरा ये चैनल है तो ये देखें गेमिंग विद मुदस्सर और मुदस्सर रहमान, दोनों पे मैंने कस्टम URL लगाया हुआ है। तो कस्टम URL लगाने के लिए आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे जाना है अपने चैनल के, यहाँ पर सर्कल इमेज है जो आपका, यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट स्टूडियो और यहाँ से चैनल, और चैनल में आपने यहाँ से जाना है स्क्रॉल डाउन करके नीचे, और ये देखें यहाँ पर लिखा रहा है कस्टम URL। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होगे तो ये ग्रीन कलर की पट्टी आएगी, अगर नहीं होगे तो रेड कलर की यहाँ पर पट्टी शो करेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके चैनल पर कम से कम 100 या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए और आपका चैनल एक मंथ पुराना भी होना चाहिए, यानी एक मंथ हो गया हो उसे बने हुए। उसके अलावा आपने अपने चैनल पे लोगो लगाया हो और चैनल आर्ट भी आपने मतलब क्रिएट की हुई हो, मतलब लगाई हुई हो। तो ये 4 रूल हैं इस कस्टम URL को क्रिएट करने के लिए। तो इन 4 रूल्स को फॉलो करो और अपना कस्टम URL क्रिएट कर लो। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं तो यहाँ पर ग्रीन पट्टी शो कर देगा आपको, जैसे मेरे इधर शो कर रहा है और बता रहा है कि मैंने यहाँ पर ये वाला कस्टम URL लगाया हुआ है ऑलरेडी। तो इसे एक बार ही लगाया जा सकता है, बार बार इसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो ध्यान से चैनल का नाम क्रिएट करें अच्छी तरह, और एक बार ही इसका कस्टम URL क्रिएट कर ले, दोबारा नाम चेंज मत करें तो ये फ़ायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। तो मैंने मुदस्सर रहमान ही रखना था इसलिए मैंने मुदस्सर रहमान ही कस्टम URL लगा लिया। तो यहाँ पर अब जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो यहाँ पर एक ये वाला ऑप्शन शो कर देगा, और इसके बाद आपने क्लिक करना है हेयर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने अपना कोई भी कस्टम URL दे देना है, जैसे कि अपने चैनल का नाम, चैनल का नाम दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देख के सिंपल ओके कर देना है और कुछ नहीं करना। तो आपका कस्टम URL ओके हो गया है, और ओके होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको शो कर देगा कस्टम URL, यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड अ कस्टम URL, मतलब आपने लगा लिया है, इनेबल हो चुका है।
तो सिंपल आपने क्या करना है, उसके बाद अपना चेक कर लेना है, मतलब youtube.com/ आगे अपना नेम जो आपने लिखा होगा और इंटर मार देना है। तो उसके बाद ये आपको आपके चैनल पे ले जाएगा जो आपने इसका कस्टम URL लगाया हुआ होगा। तो ये देखिए, मैंने ये वाला लगाया था, तो जब भी मैं YouTube के साथ ये वाला नेम अपना लिखता हूँ तो मेरा चैनल डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो इस तरह आप कस्टम URL लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको मैंने बताए हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो अगर आप उन रूल्स पर पूरा उतरते हैं तो आप कस्टम URL लगा सकते हैं, इसका फ़ायदा बहुत है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।